हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैंने पिछली वीडियो में आप सबके साथ सीपी प्लस कंपनी के E21A कैमरा की डिटेल शेयर की थी, और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इसे कैसे सेटअप करते हैं। सेटअप करना बहुत इजी है फ्रेंड्स। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं सीपी प्लस कंपनी के E21A सिक्योरिटी कैमरा की सेटअप कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमें इसके ऊपर का फिल्म हटाना होता है। एक प्लास्टिक की फिल्म है जिसे कुछ इस तरह से आप हटा दें। उसके बाद आप कैमरा के पावर केबल को कनेक्ट कर दें कुछ इस तरह से। जैसे ही आप कनेक्ट करेंगे ये इनिशियलाइज हो जाती है। और हमें वेटिंग फॉर वाईफाई सिग्नल की साउंड सुनाई देती है। उसके बाद हमें ऐप को इंस्टॉल करना होता है। ऐप को इंस्टॉल करने के लिए आप क्यूआर कोड को रीड कर सकते हैं या प्ले स्टोर से इसे डायरेक्टली भी इंस्टॉल किया जा सकता है। आप देख सकते हैं एक हाइपरलिंक जनरेट हो गया। लिंक पे क्लिक करते ही आपको इसकी ऐप दिख जाएगी और उसके बाद आप इसे इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने के बाद आप इसे ओपन करें और ओपन करने के बाद आप इस ऐप में साइनअप कर लें। साइनअप करने के लिए साइनअप पे प्रेस करें और ईमेल को इनपुट कर दें। ईमेल इंटर करने के बाद वेरिफिकेशन कोड को जनरेट कर लें। ईमेल पर आपको वेरिफिकेशन कोड मिल जाएगा और उसे इनपुट करने के बाद हमें पासवर्ड सेट करना होता है। आप अपनी पासवर्ड को सेट कर लें और उसके बाद जब आप इनपुट करेंगे तो आपको कुछ इस तरह की स्क्रीन दिखेगी। गो टू ऐप कर दें और ये ऐप की जो मेन स्क्रीन है कुछ इस तरह की दिखती है। और उसके बाद आपको अपने कैमरा मॉडल को सिलेक्ट करना होता है। CP E21A सिलेक्ट कर लें और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप को सिलेक्ट करके क्लिक कर दें। एंड वाईफाई से कनेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, वाईफाई से आप इसे कनेक्ट कर लें। उसके बाद हमें इस क्यूआर कोड को कैमरा से 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रीड कराना होता है। कैमरा लेंस के सामने आप इस क्यूआर कोड को कुछ इस तरह से शो करें और ये ऑटो डिटेक्ट कर लेगी और ऐड हो जाएगी। कुछ इस तरह से आप इसे रीड करें। एक साउंड प्रॉम्प्ट करेगी और उसके बाद आप नीचे वाले ऑप्शन पे प्रेस कर दें और उसके बाद डिवाइस ऐड की प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगी। और आप देख सकते हैं ये डिवाइस सक्सेसफुली ऐड हो चुकी है। उसके बाद आप स्मार्ट कैमरा या स्मार्ट होम आप देख सकते हैं, तो हमें स्मार्ट कैमरा को सिलेक्ट करना होगा और नेक्स्ट करना होगा। और ये सक्सेसफुली सेटअप हो चुकी है। अगर अपडेट का ऑप्शन आता है तो अपडेट ज़रूर कर लें। और सीपी प्लस ईजी कैम E21A इज़ रेडी फॉर यूज़। और इसके ऐप देख सकते हैं आप, और ऐप में बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखते हैं। ब्रोशर्स में आपको इसकी मोस्ट ऑफ द डिटेल्स दिख जाएगी। और ये वाली ऑप्शन को आप सिलेक्ट कर लें और आप देख सकते हैं ये फुल स्क्रीन पे दिख रही है और एक नेविगेशन ऑप्शन भी आपको दिख जा रहा है। कैमरे के लेंस को 360 डिग्री तक आप मूव कर सकते हैं और इस नेविगेशन बार को यूज़ करके आप इसे कम्प्लीटली यूज़ कर सकते हैं। इजी टू यूज़ है और डेफिनेटली अगर आप प्लान कर रहे हैं एक सिंगल सिक्योरिटी कैमरा परचेज करने के लिए तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसके साथ हमें गूगल और एलेक्सा की भी फीचर मिलती है और इसकी क्लैरिटी भी मुझे बहुत अच्छी दिख रही है। 2 मेगापिक्सल का फुल HD कैमरा यूज़ किया गया है। मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं किसी भी प्रोडक्ट की ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स आप सबके साथ शेयर करूं।
जिसे देखकर आपको मदद मिले इस प्रोडक्ट को परचेज करने से पहले उसकी डिटेल्स को जानने में। कॉलिंग कुछ इस तरह से आप एक्टिवेट कर सकते हैं और उसके बाद म्यूट करने के लिए आप कुछ इस तरह से इस आइकन पे प्रेस कर दें। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि इस कैमरा को वॉल माउंट भी किया जा सकता है और इसमें कोई भी इनबिल्ट स्टोरेज अवेलेबल नहीं है। वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए हमें एक्सटर्नल मेमोरी को यूज़ करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और जानकारी मिली होगी CP+E21A सिक्योरिटी कैमरा के सेटअप के बारे में। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। किसी भी क्लैरिफिकेशन के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उस कमेंट के ऊपर जल्द से जल्द रिप्लाई करूँ। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।